लगभग 500 करोड़ साल पहले एक तारा स्टार एक्सप्लोड हुआ एक सुपरनोवा में, जिससे निकलने वाले शॉक वेव ने एक नियर बाय स्टेलर क्लाउड का कोलैप्स शुरू कर दिया। एक जगह पर इकट्ठा होने लगा वो क्लाउड और ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे वो क्लाउड डेंस होता गया और बड़ा होता गया, जिससे एक तारा बना और उस तारे के चारों ओर कुछ 8 प्लैनेट्स ग्रह बने, और जिसमें से एक ग्रह को आज हम पृथ्वी और उस तारे को सूरज के नाम से जानते हैं, और बाकी के ग्रह प्लैनेट्स को मर्करी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के नाम से। तो क्या है कि अपने सोलर सिस्टम में सूरज के बनने के बाद जितने भी आइस और गैसियस मटेरियल थे वो सूरज की गर्मी नहीं झेल पाते, इसलिए वो सूरज से दूर हो गए। इसीलिए जितने भी गैस और आइस जायंट्स हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, वो सूरज से दूर बने, और जितने भी रॉकी और हार्ड मटेरियल थे वो सूरज की गर्मी आराम से झेल लेते, जिनसे सूरज के नज़दीक रॉकी प्लैनेट्स जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स फॉर्म हुए। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में बनने वाला पहला प्लैनेट था और सूरज से 5वें नंबर पर है। जुपिटर का मास, वजन हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको मिला लेंगे उससे भी 2 गुना ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस एलिमेंट से अपना सूरज बना है, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम, सेम उन्हीं एलिमेंट से जुपिटर भी बना हुआ है और सिमिलर रेशियो में है, 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम। पर जुपिटर का मास, वजन इतना नहीं बढ़ पाया कि उसके सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो सके। पर सूरज और जुपिटर का कंपोजिशन बहुत ही सिमिलर है, और यही कारण है कि जुपिटर को एक फेल्ड स्टार भी बोलते हैं। प्लैनेट सैटर्न को ले अगर तो सबसे पहले बात सैटर्न के रिंग्स की आएगी, और ये सैटर्न का सबसे यूनिक फीचर है। पर जब 1979 में वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास पहुंचा तो हमें ये पता चला कि जुपिटर के पास भी रिंग्स हैं। हाँ, पर जुपिटर के रिंग्स इतने ब्राइट नहीं हैं क्योंकि ये सिर्फ डस्ट से बने हैं और सैटर्न के आइस और रॉक से। और यही नहीं, हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून चारों के पास ही रिंग्स हैं। सत्रह में इटालियन पेंटर दोनातो क्रेती द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग में प्लैनेट जुपिटर और जुपिटर के 3 मून्स के साथ साथ जुपिटर पर एक लाल स्पॉट, एक दाग भी देखा जा सकता है। तो क्या फर्क पड़ता है उससे, क्योंकि एक ऐसा ही दाग स्पॉट आज भी जुपिटर पर है, द ग्रेट रेड स्पॉट। ग्रेट रेड स्पॉट एक तूफान है, साइक्लोन है, एक्चुअली ये एंटी साइक्लोन है, जिसके सेंटर में बहुत ही हाई प्रेशर वाला एरिया होता है, मोस्टली ठंडे क्लाउड की वजह से, जहाँ पर हवाएं जो है हाई से लो की तरफ जाती हैं। पर एक दिक्कत यह है कि ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर के साउदर्न हेमिस्फीयर में है और इस पेंटिंग में बना स्पॉट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। पर इस चीज़ को भी करेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उस जमाने के टेलीस्कोप इमेजेस को अपसाइड डाउन कर देते थे, उल्टा कर देते थे, साउथ का नॉर्थ और नॉर्थ का साउथ हो गया। ग्रेट रेड स्पॉट की हिस्ट्री साल 1665 में जियोवानी कसिनी तक जाती है, और अगर ये सारे ऑब्जर्वेशंस करेक्ट हैं तो ये रेड स्टॉर्म तूफान जुपिटर पर 350 सालों से भी ज़्यादा मौजूद है और पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टॉर्म है। वेल, कितना बड़ा? धरती से भी बड़ा। ये स्टॉर्म तूफान इतने सालों से मौजूद है जुपिटर पर, इसका एक कारण ये भी है कि जुपिटर पर कोई सरफेस सतह नहीं है जैसे कि धरती पर है, तो जिस वजह से इस तूफान को रोकने के लिए कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, और ऊपर से पूरा जुपिटर गैस से ही बना है। जुपिटर पर कोई जमीन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके आर पार निकल जाएंगे। थोड़ी दूर जाते ही इतने ज़्यादा डेंस क्लाउड, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से आप मारे जाएंगे। यहाँ तक कि जितनी हीट जुपिटर को अपने सूरज से मिलती है उससे कहीं ज़्यादा वो अपने अंदर के प्रेशर से बना लेता है और बाहर रिलीज कर देता है। हाँ, पर माना जाता है कि जुपिटर के सेंटर में एक पृथ्वी जितना बड़ा सॉलिड कोर है, तो वहाँ ट्राई करके देखो, शायद काम बन जाए।
जुपिटर के ऊपर जो स्ट्राइप्स और धारियां हैं, जो भंवर जैसे दिखते हैं, ये असल में ठंडे अमोनिया और पानी के बादल हैं। बादल हैं क्योंकि पूरा प्लैनेट ही गैस से बना है। पर जुपिटर पर कोई सीजन्स नहीं है, मौसम नहीं बदलता जुपिटर पर धरती की तरह, क्योंकि जुपिटर का अपनी एक्सिस धुरी पर सिर्फ 3 डिग्री का ही टिल्ट है, झुकाव है। तो प्लैनेट पूरी तरह से सीधा है, और वहीं धरती की बात करें तो धरती करीब 23 डिग्री झुकी हुई है। और जुपिटर का एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है, क्योंकि जुपिटर बहुत ही तेज स्पिन करता है, घूमता है। और जुपिटर का एक साल धरती के 14 साल के बराबर है, क्योंकि उसका ऑर्बिट बड़ा है। जुपिटर सूरज से दूर है काफी। १९९० तक हमें सिर्फ एक एक्सोप्लैनेट के बारे में पता था, और आज लगभग 5,200 एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं। एक्सोप्लैनेट्स मतलब ऐसे प्लैनेट जो यहाँ अपने सूरज का नहीं बल्कि किसी दूसरे तारे का चक्कर काट रहे हैं, दूसरे सोलर सिस्टम में। और लगभग 50% डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट्स जुपिटर के साइज के हैं, एक गैस जायंट। और बाकी के जो बचे एक्सोप्लैनेट्स हैं उनमें भी 70% नेपच्यून के साइज के हैं। और अर्थ में जो थोड़े से बचे हैं वो पृथ्वी से भी थोड़े बड़े हैं, इसलिए उन्हें सुपर अर्थ बोलते हैं। मतलब कि जुपिटर जैसे प्लैनेट्स ज़्यादा कॉमन है अपने मिल्की वे गैलेक्सी में, और अर्थ के साइज के प्लैनेट्स रेयर हैं। पर अभी तो हमने सिर्फ लगभग 5,000 ही खोजे हैं, और सिर्फ अपने ही मिल्की वे गैलेक्सी में माना जाता है कि लगभग 1 ट्रिलियन एक्सोप्लैनेट्स हैं, और पूरे यूनिवर्स में लगभग 1 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। और जब नंबर्स इतने बड़े हों तो रेयर चीज़ भी कॉमन हो जाती है। हालांकि जुपिटर पर लाइफ की, जीवन की संभावना कम है, पर यह चीज़ जुपिटर के मून्स के लिए पूरी तरह से सही नहीं है, खास करके जुपिटर के मून यूरोपा के लिए। सारे एविडेंस यही दिखा रहे हैं कि यूरोपा की आइसी बर्फीली सतह के नीचे पानी का समुद्र है जहां पर जीवन मिल सकता है। और माना जाता है कि यूरोपा पर पृथ्वी के सारे समुद्रों को मिला लें उससे भी 2 गुना ज़्यादा पानी है। जुपिटर के पास लगभग 80 मून्स हैं, जिनमें से 4 सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट हैं, यूरोपा, आयो, गैनेमीड और कलिस्टो। इन्हें गैलीलियन सैटेलाइट बोलते हैं, क्योंकि इन्हें सबसे पहले गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। और ये सारे मून्स जुपिटर से टाइडली लॉक्ड हैं, यानी कि इनका हमेशा एक ही चेहरा जुपिटर की ओर रहता है, जैसा कि अपने चांद के साथ है। जुपिटर 80 मून्स के साथ अपने आप में ही एक मिनी सोलर सिस्टम है। लाइफ, जीवन जुपिटर पर, जुपिटर के मून्स पर हो या ना हो, पर लाइफ धरती पर जरूर है। और कॉम्प्लेक्स और एडवांस लाइफ के लिए इनडायरेक्टली थोड़ा सा श्रेय जुपिटर को भी जाता है। इस चीज़ को मैं भी ऐसे ही कहता हूँ कि जुपिटर जैसा बड़ा भाई हर अर्थ के पास नहीं होता, जो इसे दुष्ट कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड से बचाता है, जिस वजह से धरती पर एक स्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो पाता है एक लंबे समय के लिए, ताकि कॉम्प्लेक्स लाइफ को इवॉल्व करने का टाइम मिल सके। नहीं तो आए दिन कॉमेट्स ही गिरते रहेंगे, जैसा कि एक बार एक कॉमेट ने डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया था। जुपिटर बहुत भारी है, उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो वह कॉमेट्स का ऑर्बिट चेंज करके धरती से दूर भेज देता है उन्हें। पर इस चीज़ का भी एविडेंस है कि कई बार बहुत से कॉमेट जो धरती की तरफ नहीं आ रहे होते हैं, जुपिटर उनका भी ऑर्बिट चेंज करके धरती की तरफ भेज देता है, जैसा कि एक बार सन 1700 में हुआ था। और सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉयड बेल्ट के मौजूद होने का कारण भी जुपिटर ही है, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी इन एस्ट्रॉयड्स को आपस में मिलकर एक प्लैनेट बनने से रोक देती है। तो जुपिटर के 2 चेहरे हैं, एक अच्छा भी और बुरा भी। रात को आसमान में जितने भी डॉट दिखते हैं उनमें से हर डॉट सिर्फ स्टार्स, तारे नहीं होते, उनमें से कुछ प्लैनेट्स भी होते हैं। अगर आप भारत में कहीं पर भी हैं तो लगभग 6 बजे आपको पूरब में एक डॉट दिखाई देगा। वो डॉट पूरे आसमान का सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट है, वो जुपिटर है। उसी के थोड़ा राइट साइड में ऊपर आपको सैटर्न भी दिख जाएगा, और 10 बजे तक आपको मार्स भी दिख जाएगा। थोड़ा सा रेडिश दिखता है मार्स हमेशा। वीनस आपको सबसे ब्राइटेस्ट शाम को या सुबह दिखाई देगा, और उसी के साथ आपको मरकरी भी दिख जाएगा, अगर मरकरी का ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट के रेंज में है तो। या फिर आप एक ऐप है स्टेलरम, उसे डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही सही ऐप है वो। मैं गांव में रहता हूँ तो कभी कभी अगर मौसम साफ रहता है तो मिल्की वे गैलेक्सी भी दिख जाती है। तो इन सब में से सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है कि जिन ग्रहों के बारे में आज तक हम किताबों में पढ़ते आए हैं उन्हें हम अपने घर से भी देख सकते हैं, पृथ्वी जैसे इन दूसरी दुनिया को देख सकते हैं, जिस तरह से शायद हम वहां से दिखते होंगे, उनकी दुनिया से, उनके आसमान में एक डॉट जैसा, जिसे हम कहते हैं अर्थ।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।